नेपाल 11 वर्सेस श्रीलंका नेवी 11। जी हाँ, ये आज प्रैक्टिस मैच नंबर वन था। चार प्रैक्टिस मैचेस होने हैं और हमने आपसे पूछा था कि क्या इससे रिलेटेड आप चाहते हैं कि इस पर डिस्कशन हो और बातें हम करें और आपके सामने लेकर आए मैच खत्म होने के बाद कि क्या क्या चीजें इस प्रैक्टिस मैच में नेपाल टीम ने बेहतर की है, क्या खराब की है, क्या चीजें एज अ कोच किस तरह से इसमें काम हुआ है, एज अ कैप्टन किस तरह से इस मैच को देखा गया है और टीम जो सिलेक्शन हुई है, प्लेइंग 11 जो खिलाया गया उसको लेकर भी डिस्कशन करने की बात, परफॉर्मेंस की बात, ये सारे डिस्कशंस लेकर अब आपके सामने हाजिर हैं। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। आज प्रैक्टिस मैच नंबर वन था। कल काफी फोटोज वगैरह आई थी कि वहां पर पहुंचने के बाद काफी हाथ पांव खोले गए, प्रैक्टिस मतलब जो भी कह सकते हैं आप, नेट सेशन जो भी आप कहें वो हुई है। कोच सर ने हाथ पर लगाए, काफी बातचीत की प्लेयरों के साथ, ये सब हमें फोटोज देखने को मिली। और जब आज ग्राउंड पे आए, मैच शुरू हुआ, थोड़ा बहुत शायद लेट टॉस हुआ था क्योंकि थोड़ी स्टार्टिंग अपडेट्स मिलने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। लेट टॉस हुआ शायद किसी पिच डलनेस की वजह से, उसके बाद चलिए टॉस हुआ, टॉस जीत कर पहले बैटिंग करने का नेपाल ने फैसला किया। शुरुआत करते हैं अब यहाँ पर तोड़ मोड़ों के अपनी एक कोड क्रैक करने की, वो आप शुरू कर देते हैं, पोस्ट मॉडर्न जिसे हम कहते हैं। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का जो फैसला लिया बिल्कुल सही था। चलिए आपने अपने आप को टेस्ट किया, टेस्ट का वक्त आ गया था क्योंकि टॉस जीतकर बॉलिंग बहुत हो गई थी, अब एक बार आप बैटिंग भी करते तो अच्छा था और बहुत ही सही था। यहाँ पर रिजल्ट्स की बात नहीं हो रही, प्लेइंग 11 की बात नहीं हो रही है, परफॉर्मेंस की बात नहीं हो रही है, स्ट्रिक्टली मैं टॉस की बात कर रहा हूँ। टॉस जीतकर जो आपने पहले बैटिंग ली वो बिल्कुल सही था, लग रहा था हाँ ये टेस्टिंग, अब टीम कप्तान टेस्ट कर रहे हैं और टेस्ट और प्रैक्टिस के मूड से ही आए हैं। उसके बाद अब बारी आती है प्लेइंग 11 की, टॉस के बाद प्लेइंग 11 पता चल जाती है। प्लेइंग 11 वाले सेक्शन में ब्लंडर कर दिया है वापस से वही सोच के साथ, या फिर आपको लग रहा है नहीं ठीक किया? नहीं देखिए, कहीं ना कहीं कुछ ब्लंडर तो हुए हैं। आप इस प्रैक्टिस मैच को, बहुत बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है कहीं ना कहीं कि इस प्रैक्टिस मैच को आप ले कैसे रहे हैं, देख कैसे रहे हैं, कहीं ना कहीं सोच क्या है आप जो प्रैक्टिस मैच खेलने उतरे हैं, आप इसको भी कहीं आप उस तरीके से है, आपके सेलेक्टिव माइंड पे है कि हम बस अपने 11 प्लेयर को ही प्रैक्टिस कराएंगे, बाकी जो 5 प्लेयर हैं वो भाड़ में जाएं, उनको कोई प्रैक्टिस करानी नहीं है। अब यही है कि हम बस 6-7 प्लेयरों पे ही ध्यान दे रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रैक्टिस मैच में भी 2-3 जो आपके कोर प्लेयर हैं इनको बाहर निकाला जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर ये देखा जाए तो कहीं ना कहीं उनको प्रैक्टिस की इतनी जरूरत नहीं है क्योंकि वो अभी इतना बड़ा इवेंट खेल के आए हैं। फिर भी यहाँ पर भी वही देखा गया, सेम एज टिपिकल ओपनिंग, फिर वो मिडिल ऑर्डर में वही बिल्कुल, यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। प्लेइंग 11 में वापस से वही ब्लंडर यहाँ पर होता हुआ नजर आया है। मुझे समझ नहीं आता कि आप मैं नेपाल टीम की बात कर रहा हूँ, कोचिंग स्टाफ की बात कर रहा हूँ और कैप्टन की बात कर रहा हूँ, सबकी बात कर रहा हूँ, क्या आप ये मैचेस जीतने के पीछे क्यों भाग रहे हैं इतना? अब यहाँ पर कोई कह सकते हो बॉलिंग हुई है जबरदस्त से हम जीत गए, आप जीतने के लिए क्यों जा रहे हैं? क्या आपका ये लक्ष्य है कि हमें श्रीलंका नेवी को आज हरा कर इतिहास रचना है और पूरे नेपाल में नाम करना है कि देखिए नेपाल टीम ने आज श्रीलंका नेवी को हराया है, वाह कितनी प्राउड मोमेंट है, ये क्यों माइंड में समझ में नहीं आता मुझे लेके चल रहे हैं आप? अभी फिर से वही ब्लंडर कर रहे हैं। मैं सिर्फ प्लेइंग 11 की बात कर रहा हूँ, परफॉर्मेंस तक पहुंचा नहीं हूँ, याद रखिएगा स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। प्लेइंग 11 की यहाँ बात हो रही है, आपने फिर वही ब्लंडर किया, जैसे कि यहाँ पर रेलवे ने ये इच्छा जताई थी कि आप यंग प्लेयर्स को जब अपने स्क्वाड में ले रहे हैं, विवेक कुमार यादव हो, भीम शार्की हो, आप यंग प्लेयर्स को ये चारों मैच खिलाए, ज्ञानेंद्र मल्ला, दीपेंद्र सिंह ऐरी, रोहित कुमार पोडेल, विनोद भंडारी, इन्होंने इनको मैचेस की ज्यादा जरूरत है या फिर विवेक कुमार यादव और भीम शार्की को, और आप फिर वही करेंगे क्योंकि मुझे पता है नेक्स्ट मैच में शायद एक टीम उतरेगी, एक दो चेंज हो जाएंगे और फिर एक दो मौके विवेक कुमार यादव या भीम शार्की को मिलेंगे और सीधा इनको वर्ल्ड क्रिकेट लीग टू के राउंड मैचेस होंगे यूएई के सामने उतार दिया जाएगा। यूएई के सामने कहेंगे भैया परफॉर्म करके दिखाओ जहूर खान और रॉन मुस्तफा के सामने, और उसके बाद परफॉर्म नहीं होगा तो कहेंगे अरे अनएक्सपेक्टेड प्लेयर है, नए प्लेयर है, अभी नरेश कर रहे हैं। तो जब नरेश का मौका आपके पास आया, प्रैक्टिस मैचेस आपके पास चार आए, तो आप फिर वही गलती कर रहे हैं, फिर आप वही ब्लंडर कर रहे हैं, आप फिर से आपका सपना डेफिनेटली टूटेगा जैसे अभी टूटा है, यही ख्वाब आप लेके चलते रहिए, फिर आप वही गलती कर रहे हैं। प्लेइंग 11 की बात यहाँ पर हो गई, फिर से ब्लंडर हुआ है, इसमें कोई दोहराई नहीं, आप वही रिपीटेटिव प्लेयर्स लिए जा रहे हैं जिनको प्रैक्टिस की इतनी जरूरत नहीं है जितनी आपको एक नए बैटिंग ऑप्शन तलाशने के लिए चाहिए, वो सबसे बड़ी गलती यहाँ पर है। उसके बाद बैटिंग शुरू हुई, बैटिंग चल रही है, कुशल गुर्तेल आसिफ से ओपनिंग के लिए आए, जी हाँ
पैर जैसा भी रहा, सब आए एक एक करके बैटिंग आए, सबकी बैटिंग हुई, आए गए 13, 12, 15। एक बार बैटिंग स्कोर कार्ड आप मुझे बता दें, 1 से लेकर 6 नंबर तक के जो प्लेयर होते हैं उनका एक बार बैटिंग स्कोर कार्ड बताएं, और फिर आप ही बताएं कि आखिर ये बैटिंग स्कोर कार्ड देखे आपको क्या। तो देखिए अभी आप पहले प्लेयर को देखिए, कुशल गुर्तेल है 13 रन, ज्ञानेंद्र बल्ला 2 रन, आसिफ शेख 36 रन, पुडेल रोहित पुडेल उन्होंने मारे 13 रन, दीपेंद्र सिंह एरी 43 रन, और उसके बाद विनोद भंडारी आ जाते हैं तो 22 रन। आप तो ये छह कहीं ना कहीं छह प्लेयर हमारे हो गए, छह प्लेयर ये हो गए हमारे ऊपर के, आप देखेंगे तो जिनके हिसाब से आपको लगा कि बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। बिल्कुल सही। अब आप इन छह प्लेयरों में देखिए, इन छह प्लेयरों को खेलना चाहिए था पूरे पूरे ओवर, इन छह प्लेयरों को कहीं ना कहीं पूरे ओवर खेलने चाहिए थे। यहाँ पूरी टीम मिलकर सोच रही है कि बिल्कुल सोच रही है कि 37 ओवर हमें मिलेंगे, 37 ओवर का गेम होगा, 6 प्लेयर को या 4 प्लेयरों को, 5 प्लेयरों को ये 50 ओवर खेलने चाहिए थे और बनाने चाहिए थे स्कोर। आपसे स्कोर नहीं बने कोई बात नहीं, आपको वहाँ मिडिल में रह के टिक कर खेलना चाहिए था, ताकि और ज़्यादा हम पिच पे प्रैक्टिस मैचेस हैं ये कोई अच्छा नहीं। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, यही मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, रिजल्ट से ज़्यादा खुश होने से क्या होगा। श्रीलंका टीवी को आगे क्या तीर मारेगी ये टीम, क्या करेगी। मतलब श्रीलंका टीवी को हमने रोक दिया 103 रन के अंदर, तो वाह क्या मजा आ गया, अब हम वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 जीत कर सीधा वर्ल्ड कप पहुंच जाएंगे, और वर्ल्ड कप में सीधा 50 ओवर में इंडिया में जाके खेलेंगे। श्रीलंका ने आप समझिए वर्ल्ड का मतलब, प्रैक्टिस मैच में आपको पिच पे वक्त बिताना है, आपको अपने आपको टाइम देना है, जरूरी नहीं है स्कोर करना, जरूरी नहीं है आपको ये मैच जीतना। अब नहीं जीतेंगे मैच तो भी चलेगा, लेकिन आपको ये प्रैक्टिस मैच के तौर पे लेना है कि ये हमने प्रैक्टिस के लिए लिए हैं, ये 4 इंपॉर्टेंट मैचेस हैं इनसे हमें प्रैक्टिस करना है। आप प्रैक्टिस मैच भी 50 ओवर नहीं खेल पा रहे, ये इंटेंट है बैटिंग का। बिल्कुल। अब देखिए आप देखिए दीपेंद्र सिंह एरी ने 43 रन मारे हैं, तो अगर आप ईच प्लेयर भी वहां पर टिकने की कोशिश करे, और अगर ईच प्लेयर के दिमाग पर ये होता कोई एक गोल सेट होता, ये कहीं ना कहीं आप पिच ग्राउंड से बाहर कर सकते थे, यहाँ पर ये होना चाहिए था। ये उस वक्त होता है जब हर्डल होता है कोच कैप्टन और प्लेयर्स का, यहाँ पर बात आ जाती है कैप्टन और कोच और प्लेयर्स की। बिल्कुल सही। आपको प्लेयर्स को बताना चाहिए, कैप्टन और कोच को उन पे उंगली उठानी चाहिए कि अब आपको उंगली दिखाकर ही बात करनी चाहिए कि अब आपको यहाँ 45 से 50 बॉलें खेलनी है। बिल्कुल, आप सेट होना चाहिए गोल। जी हाँ, सिंपल। जब आपने हार्डवर्क बना के यहाँ बात करी अपने प्लेयर्स को प्रैक्टिस मैचेस में, तो वहाँ पे आप क्लियर कर दें सामने वाले प्लेयर्स को कि आपको 10 ओवर तक अपना जो विकेट है बिल्कुल संभालना है, आपको 15 ओवर तक, आपको 20 ओवर तक, आपको 30 ओवर तक, आपको 40 ओवर तक, और 50 ओवर तक एक सेटअप आपको करना है। यहाँ पर उनके माइंड में ये नहीं होना चाहिए कि नहीं हमें कुछ रन मारने हैं, हमें श्रीलंका टीम से नहीं हार जाना है। अरे हार जाइए आप, श्रीलंका टीम से जीत के क्या हो गया, मतलब क्या हो गया ये श्रीलंका टीम से जीत के, यानी श्रीलंका टीम से जीत के क्या आपको लगता है आप स्कॉटलैंड और नामीबिया हरा देंगे, आप यूएई को सामने दो इतने आसानी से जीत जाएंगे, ऐसे नहीं होता है। यही सबसे बड़ी चीज देखने की बात है, प्रैक्टिस मैचेस को प्रैक्टिस की तरह नहीं ले रहे हैं आप, टाइम पिच पे टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं। 37 ओवर में प्रैक्टिस मैच में टीम ऑल आउट हो जा रही है, जबकि प्रैक्टिस मैचों में प्लेयर रिटायर्ड होकर दूसरे फील्डिंग करने, हम ये कितना देखते हैं, हमने बहुत बार देखा है कि एक चीज होनी, कम से कम एक माइंडसेट हो कि हाँ भाई हम प्रैक्टिस गेम में उतर रहे हैं, हमारे सामने क्या है। हाँ, बॉलर्स को पढ़ना बहुत अच्छा होता है बैट्समैन के लिए, कहीं ना कहीं किस तरीके का बॉलर आ रहा है उसकी बॉलिंग देख रहे हैं, मुझे लगता है कोई पढ़ता भी है इस टीम के बॉलर्स। यहाँ पर ये एक दो प्लेयर को छोड़ के दीपेंद्र सिंह एरी को मैं हटा रहा हूं, ये चीजें बहुत ज्यादा होनी चाहिए, ये क्वालिटी होनी चाहिए प्लेयरों में। और सबसे बेस्ट होता जो अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा कि एक एक प्लेयर को अगर ये माइंडसेट उनके माइंड में डाला जाए, अभी भी टाइम है, 3 मैचेस है अभी भी, यहाँ पर 50 ओवर खेलने का क्रिटेरिया होना, 150 ओवर अभी भी है। बिल्कुल सही, 150 के 150 ओवर खेलने चाहिए अगर आपको पहले बैटिंग मिल रही है, 150 ओवर अभी भी है इस टूर में कहीं ना कहीं जो यूटिलाइज किए जा सकते हैं, नहीं किया तो भारी नुकसान होगा। क्यों, फिर वही वहां पर भी आपको जल्दी जल्दी हमें विकेट गिरता हुआ। बिल्कुल, यही तो दिक्कत है मिलेगा। और वैसे ही प्लेइंग 11 में एक ब्लंडर कर दिया आपने, विवेक कुमार यादव और भीम शाह जैसे प्लेयर से एक मैच ऑलरेडी छीन लिया, अब 3 बचे हैं, देखते हैं उन तीनों में भी उनको मौके कितने मिलते हैं और कितने नहीं। आप कैसे नरिश और चैलेंज करेंगे प्लेयर को पता नहीं, आप इस इन मौकों पर ही यंग प्लेयर्स को मौका नहीं दे रहे, तो आप कैसे और बैटिंग ऑप्शन ढूंढेंगे। ये बात मैं मान लेता हूँ, यहाँ पर जो ये स्कोर कार्ड आपने बताया कुशल गुर्तेल, चलिए ओपनिंग प्लेयर छोड़ दीजिए, ओपनिंग प्लेयर तो मैं डेलीग्रेट कभी नहीं कहेगा, आप बदलें चाहे कितना भी वो खराब खेले, उनको 1-1.5 साल तो आपको देना ही पड़ेगा, वहां से हटा दीजिए। उसके बाद अगर बात दीपेंद्र को हटा दीजिए, उसके बाद अगर मैं बात करूँ, अगर आपको 10 रन 2 रन 12 रन 15 रन पे ही ये सब विकेट गिर जानी है, तो विवेक और भीम शाह की क्यों नहीं।
ऐसा क्या हो जाएगा अगर वो 8-10 पे आउट हो तो गलत है, और ये एक ही प्लेयर को 50 बार टीम में ढूंढो के रखना ये वो सही है। मतलब कोई बड़ा नाम अगर 2-3 रन पे या 5-10 रन पे आउट हो रहा है तो नहीं कोई बात नहीं, इन्हीं को साथ में रखो, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। आप उनको मौके क्यों नहीं दे रहे, समझ नहीं आ रहा है। यही दिक्कत हुई थी क्वाड्रेंगल सीरीज में और अब फिर यहाँ पर दिक्कत हुई है। आप यंग प्लेयर्स को चारों मैच क्यों नहीं खिला रहे हैं, आप उनको क्यों दे रहे हैं जिनको ऑलरेडी काफी मैचेस खेले हैं, उनको ऑलरेडी काफी उन्होंने क्रिकेट खेला हुआ है, प्रैक्टिस मैच को प्रैक्टिस आप ले ही नहीं रहे हैं। आप फिर से वो जीत के ऐसे खुश हो रहे हैं, पता नहीं क्या डिफेंड कर दिया हो, क्या डिफेंड कर दिया आपने, क्या हो गया श्रीलंका नेवी को हरा के, कुछ हुआ कुछ सुनाए तो नहीं। एक बात है, मैं कमेंट्स वगैरह पढ़ रहा था जब मैच खत्म हुए उसके बाद, तो सब वो बहुत सारे खुश थे, बहुत सारे कह भी रहे थे ये वो, कोई ज्ञानेंद्र मल्ला सुनने में आया बॉलिंग करा रहे थे, तो जी हाँ बॉलिंग एक वो शायद उन्होंने डाला है। चलिए वो सब छोड़िए, हम यहाँ पर उससे बात करने के लिए नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर हमारे लोग देखते ही इसीलिए ताकि हम समझा सकें लोगों को कि क्या खामियाँ हैं क्या नहीं है, क्या अच्छाइयाँ हैं वो भी हम आपके सामने रखते हैं। एक चीज़ और आया यहाँ पर, वहाँ पर इतने सारे भीड़ में एक नेपाली फैंस थे जिन्होंने एक चीज़ कही कि इतना क्लियर समझ में आ गया कि इस मैच को हमने वेस्ट करके यहाँ से कुछ लर्न नहीं कर पाए। हैट्स ऑफ भाई, आपने इतनी भीड़ में भी एक कम से कम बंदा मैंने उस कमेंट में देखा जिन्होंने ये कहा कि इस मैच के खत्म तो हो गया हम जीत गए, लेकिन अगर आप पूछेंगे कि इससे हम कितना सीखे वो जीरो है। नहीं। नहीं। आप सोचिए अगर आप प्रैक्टिस मैचेस करा के लास्ट में आप ये कंफ्यूजन निकल कर आता है कि हम उससे जीरो सीखे हैं, इससे बड़ी हार कोई नहीं है, क्या कहेंगे? नहीं नहीं बिल्कुल, देखिए अब अगले मैच के लिए ये जो चीजें हुई हैं इस मैच में ये बहुत बड़ा एक वेस्ट हुआ है। अब ये मैच वेस्ट प्रैक्टिस में मत गिनिए। नहीं नहीं बिल्कुल प्रैक्टिस में मत गिनिए, बस हाथ खोलना था तो इससे अच्छा एक प्रैक्टिस कैंप लगा देते जो टिपिकल नेपाल की टीम वो लगाती थी कल ही मैच है। हर एक जोड़ी को एक माइंडसेट दिया जाए, एक ओपन जोड़ी है या वन डाउन है सेकंड डाउन है, उनको ये बोला जाए इस तरीके से खेलना है, ओपनिंग जोड़ी को इतने ओवर तक इस माइंडसेट से खेलना है। क्या आपको लगता है कि ऐसा ठीक रहेगा कि वन डाउन को इतने ओवर तक इस माइंडसेट से खेलना है, यानी कि एक जोड़ी इतना ओवर और इतने ऐसा माइंडसेट हो, क्या ये प्लान ठीक रहेगा या फिर नहीं? 50 ओवर खेल लो भैया, बस इतना कर लो। बिल्कुल है, मैं आपको क्लियर चीज़ बता रहा हूँ, ये आप इसे रिटासिक आंसर देने में कोशिश कर रहा हूँ। जो बड़ी बड़ी क्वालिटी वाली टीम्स होती है ना, वो सिर्फ जाके नेट पे प्रैक्टिस करना या फिर अभ्यास मैच डोमेस्टिक खेल के ही नहीं बनी है, बहुत सारा थिंक टैंक उनके साथ होता है, बहुत सारी ऐसी स्ट्रैटेजीज उनके साथ होती हैं जो आप स्ट्रैटेजी कह रहे हैं, और यही चीज़ें जो बाकी टीमें कर रही हैं वो तेज़ी से आगे निकल गई। नेपाल की टीम आज वही की वही है, बहुत सारी टीम है नेपाल के फैंस खुद जानते हैं, 4-5 टीमों ने एक साथ शुरू किया था और यहाँ का नेपाल क्रिकेट वही का वही है और बाकी टीमें तेजी से आगे बढ़ी है। सिर्फ ऐसे नहीं कि उनको इसने सपोर्ट कर दिया उसने सपोर्ट कर दिया, उन्होंने खेल भी कुछ दिखाया होगा, ये इस तरह की स्ट्रैटेजी भी अपनाओगे। आपको क्या लगता है आप खाली ग्राउंड पर जाएंगे थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करेंगे हो गया, कोई स्ट्रैटेजी नहीं कोई कुछ नहीं, किसी को जिम्मेदारी देना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, ये बिल्कुल आपने सही कहा, इस तरह की चीजें बिल्कुल होनी चाहिए। प्रैक्टिस मैचेस का मतलब है आपके पास जितना भी थिंक टैंक है जितनी भी सोच या समझ है उसे पूरी को आप अप्लाई करें और उसके बाद उसको प्रैक्टिस में लाएं। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा दें प्लेयरों को कि वन डाउन के प्लेयर हैं आपको 10 ओवर तो मिनिमम बैटिंग करनी ही करनी है, अगर आप उसके नीचे 5 ओवर 7 ओवर 8 ओवर एक क्राइटेरिया दे दें उनको, एक माइलस्टोन दे दें कि आपको इतना क्रॉस करना ही है। एक चीज बड़ी बहुत अजीब लगता है और थोड़ा गुस्सा भी आता है कि जब अकेडमीज में ये प्लेयर रहे होंगे अपने अपने टाइम में अकेडमीज में रहे वहाँ पर इंटर स्क्वाड मैचेस होते हैं तो वो इतनी सीरियसनेस के साथ खेलते हैं, हमें मालूम है हमने देखा भी है खेला भी है एक्चुअली में, और बहुत सीरियसनेस के साथ खेलते हैं, अपनी टीम में इंटर स्क्वाड खेल रहे हैं और लड़ाई हो जाती है, तो भाई यहाँ पर भी वो सीरियसनेस दिखाइए, वो सीरियसनेस यहाँ भी चाहिए। अब ये तो इंटर स्क्वाड भी नहीं है, बिल्कुल नहीं, आपके सामने तो चलिए अपोनेंट टीम दूसरे कंट्री में जाके खेल रहे हैं, आप एक रिप्रेजेंटेटिव होकर आए किसी कंट्री के, भले क्लब सच में बहुत बड़ा मौका गवा दिया, सीखने का है लोग सीखते नहीं है, उसके बाद कहते हैं कि हमें मौका दो मौका दो। जी हाँ यही सबसे बड़ी गलती है, एक प्रैक्टिस मैच पूरी तरह से वेस्ट हो गया है, ये क्लियर है, इससे आप कुछ नहीं सीखे। थैंक यू कि कम से कम एक बंदा तो वहाँ पे उस कमेंट बॉक्स में थे जिन्होंने ये समझा, वो भी नेपाल के ही थे, मैंने उनको जाके देखा कहाँ के, चलिए नेपाल के ही है, स्टूडेंट है पढ़ते उठते हैं, खैर वो अलग बात है, लेकिन
उन्होंने समझा कि चलिए हम मैच तो जीत गए लेकिन अगर आप उससे पूछेंगे कि इस मैच से नेपाल सीखा क्या है तो मेरे पास कुछ भी बताने के लिए नहीं है। बहुत सही भाई आपका, मैं नाम भूल गया, मतलब मैं नाम भी ले रहा था सबके सामने कि वो आखिर कौन से थे। बिल्कुल डेली क्रिकेट उस चीज से सहमत है, आपने एक प्रैक्टिस मैच वेस्ट कर दिया है, देखते हैं कि आने वाले 3 प्रैक्टिस मैचेस में क्या होता है। यहाँ पर कैप्टन का रोल भी बहुत ज्यादा पुअर हो जाता है। उसके बाद प्रोड्यूसर से अब धीरे धीरे मेरे ख्याल से डिसअपॉइंटमेंट मुझे भी होने लगी है। अभी शुरुआती दौर है, मैं ये नहीं कहूंगा कि सर खराब है, थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट होने लगी है। सर की जो स्ट्रैटेजी है, सर जो जिस तरह से तालमेल बिठा रहे हैं प्लेयरों में, सर जिस तरह से बात कर रहे हैं, करवा जो रहे हैं वो बिल्कुल भी समझ से परे है। क्या कहेंगे आप? नहीं बिल्कुल सेम है, मैंने अभी बोला यही, मेरा भी यही डिसअपॉइंट है। डिसअपॉइंट अलग चीज होता है, खराब अलग चीज होता है। खराब नहीं कह रहे हैं हम, डिसअपॉइंट है। बिल्कुल सही, कहीं ना कहीं बेटर हो सकता था, बहुत बहुत बेटर हो सकता था। सोच जो होनी चाहिए, जो प्लान बेसिक प्लान होना चाहिए वो गायब है कहीं ना कहीं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप एकदम सब कुछ बदल दीजिए, रातों रात आप वर्ल्ड कप खिला दीजिए, बिल्कुल नहीं, बहुत सालों लगते हैं। बेसिक ही गायब है, बेसिक गायब है बैटिंग डिपार्टमेंट। बिल्कुल सही, तो बेसिक गायब है भैया, तो हम कैसे करेंगे आने वाले हार्ट जो लेवल होता है गेम का, इजी से शुरू करके फिर हम हार्ट में पहुंचते हैं, तो यहाँ तो इजी ही गायब है, तो मीडियम और हार्ट तो फिर पता नहीं क्या होगा वहाँ पे टीम का। चलिए देखते हैं अब कि बाकी 3 मैचेस में क्या टीम संभालती है, या फिर कैप्टनसी में क्या देखते हैं, प्लेइंग 11 किस तरह से होता है और किस तरह से कोच सर यहाँ पे प्लेयर को समझाते हैं कि आपको क्या क्या जिम्मेदारियां देनी है। प्रैक्टिस सबसे पहली बात तो ये देखना है कि आप 50 ओवर पूरे खेलते हैं या फिर नहीं। ये ऐसी बात नहीं है कि एक मैचेस में अगर आपने दूसरे मैच 50 ओवर खेल लिए अच्छी बात है, कहीं तीसरे में फिर लटक गए बात हो जाएगी, ये नहीं। ऐसा नहीं कि आप दूसरे मैच 50 ओवर खेल के एहसान कर देंगे टीम की, वो बिल्कुल भी नहीं। आपको सीखना है, क्योंकि आपने एक मैच गवा दिया है, आपको दूसरे मैच से दोनों मैचों के बराबर का सीखना है। अब वो कैसे सीखेंगे वो यहाँ पर ये सारी चीजें आपको बताएंगे कि आखिर क्या क्या गलतियां हुई हैं। अगर आप शायद अब जाके बेहतर करें तो बेहतर होगा। आप हमारी बात तो शायद वहां तक पहुंच भी नहीं रही होगी, अरे कोई पहुंचा दीजिए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। किसी ना किसी का तो भला हो, हम चाहते हैं। देखिए डिसअपॉइंट उसी से होते हैं जिनसे उम्मीदें भी ज्यादा होती हैं, क्योंकि बहुत उम्मीदें थी इस टीम से कि शायद T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर के बाद अभी चीजें सुधरेंगी, लेकिन कैन ने वहां कुछ ऑर्गेनाइजेशन जरूर कराए हैं, लेकिन प्रैक्टिस मैचेस में जो स्ट्रक्चर लेके आना चाहिए था कैप्टन और कोच की तरफ से वो नदारद है। प्लेयर की तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नदारद है। यंग प्लेयर्स को नरिश करने का बेहतरीन मौका था वो भी नदारद है। तो पता नहीं इससे अब क्या आगे रिजल्ट निकल कर आएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना है। एनालिसिस हार्श ही होंगे यहाँ पर, क्योंकि सही बातें आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। ये नहीं कि आपको चने के झाड़ पे चढ़ा दिया उसके बाद औंधे मुंह वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 के आने वाले सीरीज में, खाली यही बोल के रहे कि यूएई पीएनजी, पीएनजी को तो आप रोन देंगे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यूएई के खिलाफ उस पर नाम गया स्क्वाड के खिलाफ तो है ना जी, आगे में बहुत बड़े मैचेस हैं, तो हम ये नहीं चाहते कि वहां पर आप झाड़ से सीधे नीचे गिर जाएं। इसीलिए आपको समझा रहे हैं कि यही सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, इसे अगर आप बेहतर करें तो उम्मीद है कि T20 में बार कुछ किसी तरह से चांस बन सकते हैं, वरना फिर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा इस टीम का। 2024 T20 वर्ल्ड कप का ही आपको इंतजार करना पड़ेगा। एनालिसिस पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह से एनालिसिस आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, जो सच है वो आपके सामने प्रेजेंट करने की पूरी कोशिश रहती है। बहुत लोगों को शायद ये बातें पसंद ना है, कोई बात नहीं, आप अपने कमेंट बॉक्स में जी भर के अपनी राय दे सकते हैं, उससे भी हम उसको भी रेस्पेक्ट करेंगे, आपकी राय अलग होगी हमारी राय अलग होगी। लेकिन इतना जरूर है इस पूरे प्रैक्टिस मैच का एक कंक्लूजन अगर कोई निकल के आता है तो ये मैच वेस्ट हो गया है। अब नेपाल श्रीलंका के खिलाफ सिर्फ 3 प्रैक्टिस मैच ही खेलने के लिए आया है, ये समझ